हाथ फेरे भर लू बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। तो नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मानवेश्ट फिल्म्स। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत खास होने वाला है। ये खास क्यों होने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे सामने टोयोटा फॉर्च्यूनर है, तो ये खास भी है, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट कर रहा है। तो बात कर रहा हूँ मैं, आपने ऑलरेडी टाइटल थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज का वीडियो खास है क्योंकि मैं अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को बेचने की सोच रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये SUV मेरे लिए एक सपना था लेकिन अब वक्त आ गया है इसको अलविदा कहने का। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर मेरा साथ बहुत स्पेशल रिश्ता रखती है। मैंने इसमें किसी कई यादें भी बनाई हैं लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी हमें अलग रास्ते चुनने पड़ते हैं और यही वक्त आ गया है मेरे लिए। जब मैंने पहली बार इस गाड़ी को चलाया ना तो मुझे एक अलग ही महसूस हुआ। उस समय से लेकर आज तक ये मेरी साथी सी बन गई है। मतलब मेरी जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे रफ टेरेन्स रहते हैं यूजुअली उस पे जाना होता है तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ कि इसी को लेके जाता हूँ। मीटिंग्स करनी होती है तो जनरली मैं जैगुआर को यूज़ करता हूँ, बट अब इसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया है मैंने। कुछ चीज़ें अब इसको फिर वही है कि मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें अपडेट्स लाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। अब ये फॉर्च्यूनर है मेरे पास, मुझे मैं नहीं चाहता बेचना बट बेचनी पड़ेगी, पर कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। पर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस फॉर्च्यूनर ने मुझे बहुत सारे एडवेंचर्स दिए हैं। मैंने जब इसे परचेज करी थी उसी समय मेरी एक मीटिंग थी, एक मेरे फाइनलाइजेशन था प्रोजेक्ट का जो कि मेरा फाइनल नहीं हो रहा था। ये गाड़ी खरीदी मैंने, उसके तुरंत 10 दिन बाद ही प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन हो गया था। तो हर जगह जाने का कॉन्फिडेंस ये मुझे देती है, हर मुश्किल रास्ते का सामना ये करने का मुझे मौका देती है। हर जगह जाने का कॉन्फिडेंस, हर मुश्किल रास्ते का सामना करना, ये सब इस गाड़ी ने मुझे सिखाया है। तो अब आप सोच रहे होंगे, मानो भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर इतनी अच्छी कार है तो बेचने का क्यों फैसला किया। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें हमें खरीदनी होती हैं या नए सपने पूरे करने होते हैं या नए सपने देखने का मौका मिलता है, और मेरे लिए ये वक्त आ गया है कि अब मैं नए सपने देखूं। मैं फॉर्च्यूनर नहीं, आप लोगों ने अगर बलिनो मेरे ख्याल चाहे कि इस पहले आ गई होगी या फॉर्च्यूनर पहले आ गई होगी मुझे नहीं पता, मैं फॉर्च्यूनर बलिनो दोनों ही निकाल रहा हूँ अपने। बलिनो में अभी हमने लाख रुपए से ऊपर हमने लगाया था मॉडिफिकेशन में, बट अब वक्त आ गया इन दोनों गाड़ियों को निकालने का। मैंने ऑलरेडी एक चौथी गाड़ी और ख़रीद ली है, मेरे गैराज में इस समय 4 गाड़ियाँ हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को रिवील नहीं करी है गाड़ी, बिकॉज अभी रिवील करना मैं चाह नहीं रहा हूँ। मैं आप लोग मैं भी हो सकता है जब तक मैं ट्रिप से वापस आऊँ तब तक मैं रिवील कर दूँ। अभी मैं ट्रिप पर हूँ, आप लोगों को पता होगा, एंड यही कुछ है। तो नए सपने जो हैं वो भी कुछ अच्छे हैं, वो भी शायद से हो सकता है हमारे गैराज में एक और माफिया लुक की SUV आए, या क्या आए क्या ना आए ये अभी मैं भी नहीं जानता, बट आएगा, जो भी आएगा वो आएगा आपका इस अक्टूबर के बाद, ठीक है। मेरी ये फॉर्च्यूनर जो है, अब आप लोगों को थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूँ इस गाड़ी की। तो ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर है इसका 2014 एंड रजिस्टर्ड है ये 2015। ड्रिवन है 1 लाख किलोमीटर्स के अराउंड, 1 लाख प्लस ही है, 1,01,000 समथिंग है, एंड गाड़ी पूरी क्लीन है, कहीं से कहीं तक गाड़ी में एक रुपए की भी कमी नहीं है। इसकी गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट चेंज हो रखी है, सब कुछ चेंज हो रखा है, इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज हो रखा है। वो जो सर्विस नेक्स्ट होनी है वो नहीं है 1,10,000 किलोमीटर्स में। बैटरी तक चेंज है, बैटरी भी मैंने 1 फरवरी 2024 में डलवाई थी। आप लोगों को एक बार मैं इंजन में खोल के दिखा देता हूँ इस गाड़ी का, बिकॉज और कोई भी अगर इस गाड़ी को परचेज करना चाहे तो मुझे ईमेल लिख सकता है, मेरे नीचे ईमेल आईडी आ रही होगी। 2 मिनट में इसका बोनट खोलूं पहले। तो ये है इसका इंजन एंड इंजन पे, एंड जो भी मुझे इस गाड़ी को परचेज करना चाहे, मैं पहले इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ये 2015 मॉडल टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 मैनुअल डीजल, ठीक है। माइलेज ये अराउंड दे देती है मुझे देती है ये 8 से 11 के बीच में कहीं, और 8 से 10 के बीच में, और फादर साहब को देती है ये 11 के अप्रॉक्स, 11-12 के अराउंड दे देती है। हाईवेज की बात करूँ तो फादर साहब ने अभी हाईवे पर ड्राइव नहीं करी, बट मेरे हाईवे ड्राइविंग पे इसने 13 के अराउंड माइलेज निकाला है, 12-13 के अराउंड, एंड 10-12 के बीच में मान के चलो आप, मेरे को दिया है इसने माइलेज हाईवे पे। एंड मेरे को क्यों नहीं देती है माइलेज, बिकॉज मैं एग्रेसिवली ड्राइव करता हूँ गाड़ी को। बैटरी की बात करें तो बैटरी आप देख सकते हैं, ये बैटरी आप देख सकते हैं 1x24 की डली हुई है, अमेजोन ब्लैक आती है। टर्मिनल्स भी मैंने इसके चेंज कराए हैं, ऑयल फिल्टर, ये फ्यूल फिल्टर चेंज है इसका, इंजन ऑयल फिल्टर हमारा चेंज है, टाइमिंग बेल्ट हमने रिप्लेस करा दी है, ये देखो आप,
ये रिप्लेस्ड हैं, टाइमिंग बेल्ट भी रिप्लेस कराई हैं, पुलिस भी रिप्लेस कराई, जो जो इसमें रिप्लेसमेंट की नीडेड थी वो सारा हमने काम कराया है। एवरल्टा हमारा रिप्लेस हो चुका है, सब कुछ हमारी गाड़ी में ए टू जेड काम बढ़िया है कर रखा हमने, हमने गाड़ी में कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी है इन शॉर्ट बताऊँ तो। एंड बस यही कुछ है गाड़ी में। टायर्स भी देखा जाए तो टायर्स भी अभी हैं, बहुत ज़्यादा चल जाएंगे अभी, मान के चलो कि 30,000 किलोमीटर आराम से चल जाएंगे, ठीक है। चारों टायर्स ही हमारे 30,000 के अराउंड चल जाएंगे। टायर्स की डेट बताऊँ तो मैं 2023 में डले हुए हैं ये टायर, चारों टायर, कोई 10th वीक का है, कोई 40th वीक का है, तो 2023 का टायर आप मान के चलें। गाड़ी पीछे से लुक की बात करें तो पीछे से हमारी ये लुक आती है गाड़ी की। गाड़ी के सारे फंक्शंस वर्किंग कंडीशन में हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो नॉन वर्किंग कंडीशन में हो, सारे चीज़ें अच्छी से इंटैक्ट हैं, कहीं से कहीं तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग को पसंद हो गाड़ी तो अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद हो तो डेफिनेटली मुझे आप ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल आईडी नीचे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी, manavbestfilms@gmail.com, manavbestfilms@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी रहने वाली है। यहाँ पे हमने सोफा लैमिनेशन, इंपोर्टेड सोफा लैमिनेशन का कवर चढ़वा रखा है, बिकॉज थोड़ा सा रफ्ता, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, अंदर से थोड़ा सा रफ्ता तो मैंने ये चढ़वाया था। सीट्स की बात करें तो सीट्स भी हमारी नई है, ब्रांड न्यू है अभी तक। एंड सीट्स की बात करूँ तो मैंने कितना बताया, सीट्स भी हमारी इम्पोर्टेड सोफा लैमिनेशन में रैप डोर की, यहाँ भी ये भी हमारा इम्पोर्टेड सोफा लैमिनेशन में हो रखा है, पीछे की सीट्स भी हमारी इम्पोर्टेड सोफा, सारा हमारा काम हो रखा है। गाड़ी के इंटीरियर में भी आपको एक रुपये की लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल जाए तो मैं लगा के दूंगा ये चीज़। ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ तो हमारी गाड़ी में एक्सटीरियर इंटीरियर से आ गई है। ऑडियो सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ओरिजिनल OEM जो हमारे वो आते हैं वही डले हुए हैं, जो स्पीकर्स हमारे OEM आते हैं वही डाल रखे हैं हमने कोई छेड़खानी नहीं कर रखी उनके साथ में। इंफोटेनमेंट भी हमने बाहर से डलवा रखा है, आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉइड प्लेयर है पूरा, वो चीज़ें आप ये हमने नहीं कराया था, हालांकि ये पीछे पहले प्रीवियस कस्टमर ने करा रखा था, ये चीज़ पूरी गाड़ी की है। गाड़ी की लाइट्स की बात करें तो लाइट्स हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 180 वॉट्स की LEDs आ जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास 120 वॉट्स की HIDs आ जाती हैं। ये जो आती है ये GV ब्रांड से, और इसका मैं ब्रांड नाम नहीं भूल रहा हूँ, बाकी इसमें गाड़ी में एक रुपए की कमी नहीं है, जहाँ से जहाँ तक आप देखेंगे गाड़ी पूरी परफेक्ट कंडीशन में है। छुटर पुटर कमियाँ जो हैं वो मैं करा के दे दूंगा, या फिर उसका हम नेगोशिएशन कर लेंगे, जो भी छुटर पुटर कमियाँ वो इंटीरियर में ही है, बाहर से कुछ नहीं है। बेचना और खरीदना जो है दोनों ही ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा सारी बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हमेशा फेयर डील करो और ऑनेस्ट रहो, ठीक है। आज मैं तो इसी सिद्धांत पे चलता हूँ, मैं जो भी है वो ऑनेस्टी के साथ में, जितना मुझे इस गाड़ी के बारे में पता है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। आज ये टोयोटा फॉर्च्यूनर मेरे साथ इससे अलग हो रही है, लेकिन इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शुरुआत किसी भी चीज़ को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी हमें आगे बढ़ना ज़रूरी होता है, तो यही कुछ है। तो दोस्तों ये टोयोटा फॉर्च्यूनर इज़ अप फॉर सेल, अगर कोई इंटरेस्टेड बायर मेरी वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली यू कैन मेल मी अप, मेरा ईमेल आईडी है manavbestfilms@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, यहाँ पे फ्लैश भी कर रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये फॉर्च्यूनर है अप फॉर सेल, एंड चलता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय। पहली दफा जब नजरे मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीरान।